गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ सरसों खली के पौधे पर फ़ायदे को शेयर करने वाली हूँ। ये सरसों खली है, इस तरह से देखिए है, जो कि आपको किसी भी फर्टिलाइज़र की दुकान पर, जहाँ जानवरों के लिए खाना बिकता है वहाँ, जहाँ तेल की पिराई होती है, मिल जाएगा। यह खली 30 से 40 रुपये किलो मिल जाता है। सरसों के दानों को पिरोने के बाद जो तेल निकलता है और उसके बाद जो सॉलिड बच जाता है, वही सरसों खली कहलाती है। यह पाउडर फॉर्म में भी आता है, सॉलिड फॉर्म में भी मिलते हैं, जो कि ये है इस तरह से। आप चाहे जो भी लें, लेकिन उसे फिर पानी में ही आपको भिंगो कर तैयार करना पड़ेगा फर्टिलाइज़र। सरसों खली के क्या फ़ायदे हैं मैं अभी बताती हूँ। सरसों खली में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, जो कि 4:1:1 भाग होता है, यानी एनपीके की मात्रा, यानी नाइट्रोजन 4 भाग है, फास्फोरस 1 भाग है और पोटेशियम 1 भाग है। लेकिन इसके अलावा इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड हैं, यानी जब आप पौधे में इस फर्टिलाइज़र को डालते हैं तो पौधे को बहुत सारी मात्रा में अमीनो एसिड मिल जाती है। इसके साथ ही इसमें बहुत मात्रा में फैटी एसिड भी होते हैं, साथ ही भरपूर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। इस तरह से ये एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र है। इसे देने के बाद आपको दूसरा खाद देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको बताती हूँ इसे बनाने की विधि। इसे बनाने के लिए आपको 1 लीटर पानी में 50 ग्राम के हिसाब से सरसों कली को भिंगो देना है। मैंने तो अभी बहुत सारे बना के रखे हैं, लेकिन इसका बनाने का विधि मैं आपको छोटे स्तर पर बता रही हूँ। तो फिर 50 ग्राम सरसों खली को 1 लीटर पानी में कम से कम 3 से 7 दिन तक भिगो दें, और उसके बाद 10 लीटर पानी उसमें मिलाकर पतला कर लें। हर पौधे में आप इसे 100 ml के हिसाब से डाल सकते हैं। इस पानी को आप पौधे के ऊपर स्प्रे नहीं कर सकते हैं, नहीं तो पत्तियों में फंगस लग जाएगा। मिट्टी में पौधे की जड़ में फर्टिलाइज़र डालें, यही सबसे बेस्ट होता है। इस फर्टिलाइज़र को डालने के पहले गमले में 3 दिन तक पानी न दें, जिससे कि मिट्टी सूख जाएगी अच्छे से, और जब आप फर्टिलाइज़र डालेंगे तो उनमें फंगस नहीं लगेगा और मिट्टी अच्छे से इस फर्टिलाइज़र को एब्जॉर्ब भी कर लेगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस फर्टिलाइज़र को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप इसमें क्या क्या मिला सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इसमें NPK या DAP भी मिला सकते हैं, इससे ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं तो इसमें ये देखिए इफ़को का सीवीड एक्सट्रैक्ट है, इसे ही मिलाती हूँ। इसे मिलाने के लिए मैंने इसमें देखिए, इसके दाने होते हैं इस तरह के दाने होते हैं, ग्रैनुअल्स में आते हैं। इसे मैंने पानी में इस तरह से भिंगो लिए हैं 1 दिन पहले, जो कि बहुत अच्छे से लिक्विड फॉर्म में बन के तैयार हो गया है। तो ये 1 लीटर पानी होगा, और मैं क्या करूँगी कि ये फर्टिलाइज़र पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, इसलिए मैं इसे यूज करती हूँ। आप चाहें तो DAP यूज कर सकते हैं। तो फिर मैं इसमें इस लिक्विड में 1 लीटर के करीब सरसों खली का लिक्विड मिलाऊंगी। फिर इसमें मैं कम से कम 5-6 लीटर पानी डालूंगी। इसे पतला करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से मैंने इसमें पानी मिला दिया।
अब ये परफेक्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो गया, जो कि पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसका पावर 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया और पौधे के विकास भी अब 4 गुना ज़्यादा ही हो जाएगा। इस फर्टिलाइज़र को आप 10 दिन के बाद ही दूसरी बार अप्लाई करें, क्योंकि पौधा इसे धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है। इसे एब्जॉर्ब करने में 10 से 12 दिन लग जाते हैं पौधे को। अगर जल्दी जल्दी आपने इसे पौधे में डालें तो पौधे के ऊपर फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब मैं इन्हें पौधों के ऊपर डालकर दिखाती हूँ। ये मेरे विंटर के सारे सैपलिंग हैं, आज मैं इस फर्टिलाइज़र को इनमें डालने वाली हूँ। ये अभी छोटे छोटे हैं तो इन्हें ये लिक्विड फर्टिलाइज़र काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो आप इन्हें 100-100 ग्राम के हिसाब से हर पॉट में डालें। 100 ग्राम से ज़्यादा देंगे तो पौधा तो एब्जॉर्ब करने के बाद बाहर ही निकाल देगा, क्योंकि पॉट छोटा है तो मिट्टी से बाहर ही निकल जाएगी पानी। ज़्यादा पानी डालना बेकार है। इस तरह से मैं अपने सारे पॉट में डाल दूँगी। इस फर्टिलाइज़र के एक फ़ायदे और ये हैं कि ये फर्टिलाइज़र गर्म होता है। सरसों जो होता है वो गर्म होता है, तो सरसों खली के ये लिक्विड फर्टिलाइज़र काफ़ी गर्म होते हैं और ये विंटर में पौधों को गर्माहट देते हैं। तो इस तरह से पौधे को ठंड से भी ये फर्टिलाइज़र बचाता है और ग्रोथ के तो क्या ही कहने, ग्रोथ तो बहुत अच्छी होती है, जो कि आप अप्लाई करने के बाद ही महसूस करेंगे। तो विंटर में हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर इस फर्टिलाइज़र को डालें, फिर इसकी देखिए क्या रिज़ल्ट आते हैं। मेरे तो पौधे काफ़ी हेल्दी हो जाते हैं इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करने के बाद। मैं सबसे ज़्यादा इसी फर्टिलाइज़र को विंटर में यूज करती हूँ। इस तरह से मेरे पौधे काफ़ी हेल्दी रहते हैं और काफ़ी अच्छे इसमें फ्लावर भी आते हैं। मैं इस फर्टिलाइज़र को इस तरह के पौधे में नहीं डालती हूँ जिनमें कलियाँ आ गई हों। देखिए ये गुलदावरी मेरा काफ़ी बड़ा हो चुका है और इनमें कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं। अब इस प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं है, बस इसे पोटास की ज़रूरत है। तो मैं इसमें अब लास्ट फर्टिलाइज़र पोटेशियम ही डालती हूँ। इस तरह के कलियाँ तैयार होने के बाद इस फर्टिलाइज़र को पौधे के ऊपर ना अप्लाई करें। जब तक ये पौधे जो मेरे छोटे छोटे सैपलिंग छोटे रहते हैं, तभी तक मैं इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई करती हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा।